वेलकम टू एग्ज़ाम विवेचना। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आप लोगों से क्षमा चाहूँगा कि बहुत दिनों के पश्चात आपके लिए पीजीटी हिंदी की क्लास ला रहा हूँ। कुछ ऐसी निजी विवशताएँ थी जिस कारण मैं पीजीटी हिंदी की वीडियोस नहीं बना पाया। तो चलिए, खैर कोई बात नहीं, अब आपको वीडियोज़ मिलती रहेंगी, ठीक है ना। और आपने भी पीजीटी हिंदी की तैयारी के लिए कोई भी लापरवाही नहीं बरतनी है, तैयारी को अच्छी तरह से करते रहिए। कुछ ही समय पश्चात आपको फॉर्म भरने की नोटिफिकेशन भी मिल जाएगी, इसलिए अच्छी तरह से अपनी तैयारियां कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। यहां पर जो महत्वपूर्ण पॉइंट है, संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो संज्ञा के होते हैं 5 भेद। और वो 5 भेद कौन कौन से होते हैं? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, भाववाचक और द्रव्यवाचक। इस प्रकार से आपने इसको याद रखना है, संज्ञा के 5 भेद होते हैं। अगला महत्वपूर्ण पॉइंट है, प्रयोग के अनुसार सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। प्रश्न बनता है सीधे सीधे, प्रयोग के अनुसार सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? प्रयोग के अनुसार सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पहला होगा पुरुषवाचक, दूसरा निजवाचक, तीसरा निश्चयवाचक, चौथा अनिश्चयवाचक, पांचवा संबंधवाचक और छठा प्रश्नवाचक। अगला महत्वपूर्ण पॉइंट है, पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं। और वो कौन कौन से होते हैं? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य, ठीक है। कितने हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 प्रकार होते हैं। आगे है, कामता प्रसाद गुरु के द्वारा विशेषण के 6 भेद माने गए हैं। तो अगर किसी के बारे में स्पेसिफिक पूछा जाए कि डैश के द्वारा विशेषण के कितने भेद माने गए हैं, तो ये प्रश्न अवश्य आता है। जैसे कि कामता प्रसाद गुरु के द्वारा विशेषण के 6 भेद माने गए हैं, और वो कौन कौन से हैं? पहला होगा संख्यावाचक, दूसरा गुणवाचक, तीसरा सर्वनामिक, चौथा है निश्चित वाचक संख्या, क्या है? निश्चित संख्या वाचक, और पांचवा है अनिश्चित संख्या वाचक, और छठा है परिणाम वाचक। अगला महत्वपूर्ण पॉइंट है, यहाँ पर जो शब्द विशेषण शब्द की विशेषता बताए उसे क्या कहा जाता है? जो शब्द विशेषण शब्द की विशेषता बताए उसे प्रविशेषण कहते हैं। याद रखिएगा, प्रविशेषण किसे कहते हैं? जो शब्द विशेषण शब्द की विशेषता बताते हैं उसे प्रविशेषण कहते हैं। आगे है, हिंदी में समास के मुख्यतः 4 भेद माने जाते हैं। क्या है? हिंदी में समास के मुख्यतः 4 भेद माने जाते हैं। और वो कौन कौन से समास के 4 भेद होंगे? पहला है अव्ययी भाव समास, दूसरा है तत्पुरुष समास, तीसरा है द्वंद्व समास और चौथा है बहुव्रीहि समास। तो यहाँ से आपसे एक समास का विकल्प नहीं दिया जाएगा, बाकी 3 दिए जाएंगे, इसलिए आपने इन्हें ध्यान से देखना है कौन कौन से हैं ये। पहला तो होगा अव्ययी भाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा द्वंद्व समास और चौथा बहुव्रीहि समास। अगला महत्वपूर्ण पॉइंट है, तत्पुरुष समास के मुख्यतः 2 भेद माने जाते हैं। क्या है? तो जो तत्पुरुष समास है इसके आगे 2 भेद माने जाते हैं। पहला होगा व्याधिकरण तत्पुरुष और दूसरा होगा समानाधिकरण तत्पुरुष, या इसे कर्मधारय भी कहा जाता है। अगला महत्वपूर्ण पॉइंट है, उत्पत्ति या विकास की दृष्टि से शब्दों के 4 भेद हैं। क्या है? उत्पत्ति या विकास की दृष्टि से आपसे पूछा जा सकता है शब्दों के कितने भेद हैं? उत्पत्ति या विकास की दृष्टि से शब्दों के 4 भेद हैं। आगे आता है भाषा विज्ञान का टॉपिक, तो चलिए इसे देख लेते हैं। भाषा विज्ञान के मुख्यतः 4 तत्व होते हैं। तो ये प्रश्न बन सकता है कि भाषा विज्ञान के मुख्यतः कितने तत्व माने जाते हैं? तो भाषा के मुख्यतः 4 तत्व माने जाते हैं। पहला होगा ध्वनि, दूसरा शब्द, तीसरा वाक्य और चौथा अर्थ। कौन कौन से हैं? पहला ध्वनि, दूसरा शब्द, तीसरा वाक्य और चौथा अर्थ। आगे है, उच्चारण की दृष्टि से भाषा की लघुतम इकाई ध्वनि है। तो ये प्रश्न है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अधिकतर परीक्षाओं में से पूछा जाता है कि जो उच्चारण की दृष्टि से भाषा की लघुतम इकाई क्या है? तो उच्चारण की दृष्टि से भाषा की लघुतम इकाई ध्वनि है। इसी प्रकार से आगे जो प्रश्न है, सार्थकता की दृष्टि से भाषा की लघुतम इकाई क्या है? तो जो सार्थकता की दृष्टि से भाषा की लघुतम इकाई है इसे शब्द कहा जाता है। तो याद रखिएगा, उच्चारण की दृष्टि से भाषा की लघुतम इकाई तो ध्वनि होगी, पर सार्थकता की दृष्टि से भाषा की लघुतम इकाई
शब्द होगा। अगला महत्वपूर्ण पॉइंट है, भाषा की व्याकरणिक योग्यता प्राप्त लघुतम इकाई पद या रूप है। आगे है, भाषा की पूर्ण सार्थक इकाई को वाक्य कहते हैं। तो ये प्रश्न भी बनता है, भाषा की पूर्ण सार्थक इकाई को क्या कहा जाता है? तो भाषा की पूर्ण सार्थक इकाई को कहा जाता है वाक्य। इसी प्रकार आगे है, ध्वनि को स्वनिम भी कहते हैं। तो ये भी महत्वपूर्ण है, कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है पीजीटी हिंदी की परीक्षा में कि स्वनिम किसे कहते हैं, तो स्वनिम कहा जाता है ध्वनि को ही, ठीक है ना, ध्वनि को ही स्वनिम कहा जाता है। अगला महत्वपूर्ण पॉइंट है, ध्वनि गुण चार माने गए हैं। क्या है? ध्वनि गुण चार माने गए हैं, और वो चार कौन से हैं? पहला तो है मात्रा, दूसरा स्वर, तीसरा आघात और चौथा वृत्ति। फिर से बता देता हूँ, ध्वनि गुण चार होते हैं, कौन कौन से हैं? मात्रा, स्वर, आघात और वृत्ति। तो ये थी हमारी वीडियो आज की। इसी के साथ आपको बता दूँ, हमारा पीजीटी हिंदी और एलटी कमीशन के लिए ऑनलाइन कोर्स चला हुआ है। अगर आप लोग उसे ज्वाइन करने के इंटरेस्टेड हैं तो आप उसे परचेज कर सकते हो। इसका संपर्क सूत्र आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, तो वहाँ से आप हमारे साथ संपर्क साध सकते हो। तो चलिए करते हैं अब वीडियो को समाप्त। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहे, इसका बहुत बहुत धन्यवाद।